नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज बीएम के एक और फ्रेश एपिसोड में। आप सभी ने मुझे कमेंट्स के अंदर बहुत ही सारे क्वेश्चन पूछे हैं, ये सभी क्वेश्चन का मैं आंसर देने वाला हूँ, तो ये सबके बारे में जानने के लिए वीडियो देखते रहिए। सबसे पहले दोस्तों, काफ़ी सारे जो हमारे सब्सक्राइबर हैं इसको एक ही क्वेश्चन है कि भाई आप कमेंट्स के रिप्लाई क्यों नहीं करते, हम कमेंट्स बहुत ही सारे करते हैं। तो देखिए, मैं काफ़ी सारे ब्लॉग को मैनेज करता हूं, तो इसलिए मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। तो इसलिए मैं एवरी संडे आपके लिए आस्क बीएम का एपिसोड लेकर आता हूँ, जिसके अंदर फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन होते हैं जो मुझे कमेंट्स के अंदर पूछते रहते हैं सभी लोग। ये क्वेश्चन मैं पिक करके आपको वीडियो बनाकर इसके आंसर देता हूँ, ताकि जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं इसको भी इसका आंसर पता चले कि ये क्वेश्चन है और इसका ये आंसर है। तो अगर मैं आपको कमेंट्स का रिप्लाई नहीं करता तो आप बुरा मत लगाना, एवरी संडे आपका जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का आस्क बीएम का एपिसोड। आस्क बीएम का सबसे पहला क्वेश्चन है सचिन दिवाकर की तरफ से, और ये पूछ रहे कि डिजिटल ओशन में सब आपसे सीखा है एन ब्लॉग वर्किंग वेल, बट ये बताओ सी पैनल कैसे यूज करें। तो देखिए, डिजिटल ओशन के ड्रॉपलेट के अंदर सी पैनल यूज करना बहुत ही आसान है। डिजिटल ओशन के अंदर ही ऑटो इंस्टॉलर के अंदर यानी कि मार्केट प्लेस के अंदर आपको सी पैनल का ऑप्शन मिल जाएगा, वहां जाके आसानी से आप सी पैनल इंस्टॉल कर सकते हो और इसके अंदर आप अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो। अब देखिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा, सबसे पहला प्रॉब्लम होगा आपका बजट का, क्योंकि मान लीजिए आपने डिजिटल ओशन के अंदर $10 का प्लान सेलेक्ट किया है, तो आपको अगर सी पैनल आप यूज करते हो तो एडिशनली आपको $20 एवरी मंथ पे करने होंगे सी पैनल को, तो आपका जो मंथली टोटल खर्चा कितना होगा $30। तो ये आपके लिए जो अच्छा नहीं रहेगा, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप डायरेक्ट आपकी वेबसाइट डिजिटल ओशन के अंदर होस्ट करके यूज कीजिए, आपको इससे अच्छा रहेगा। और इस जो अगर आप सी पैनल यूज नहीं करते तो आपको एक और बेनिफिट है, ये बेनिफिट ये है कि आपके जो ड्रॉपलेट के अंदर सी पैनल है वो आपका स्पेस नहीं रोकेगा। अगर आप सी पैनल यूज़ भी करोगे तो सी पैनल जो कुछ GB का होता है तो वो आपका रैम भी यूज़ करता है, आपका CPU भी यूज़ करता है और आपका स्पेस भी यूज़ करता है। अगर आप डायरेक्ट वेबसाइट होस्ट करोगे तो आपका वेबसाइट बिल्कुल फ्री रहेगा, जो इसकी स्पीड भी आपको बहुत ही अच्छी मिलेगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि डायरेक्ट आप अपनी वेबसाइट को होस्ट करके डिजिटल ओशन का यूज़ कीजिए, तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। इसके बाद का क्वेश्चन है आर्यन जायसवाल की तरफ से, और ये पूछ रहे कि सर आपने इन्फिनिटी ज्ञान में कौन सा सोशल शेयरिंग प्लगइन यूज़ किया है। तो मैं आपको डायरेक्टली मेरे डैशबोर्ड के अंदर ही दिखा देता हूँ कि मैं कौन सा सोशल शेयरिंग प्लगइन यूज़ करता हूँ। तो हमारा डैशबोर्ड ओपन हो चुका है, तो मैं infinitygyan.com के अंदर सोशल शेयरिंग प्लगइन यूज़ करता हूँ, इसका नाम है सोशल स्नैप, और यहाँ पर आपको देखा जाएगा ये बिल्कुल फ्री है, और जो इसका फ्री वर्जन है वही मैं यूज़ करता हूँ। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं दूंगा, वहाँ जाके आसानी से इसे आप डाउनलोड करके आपकी वेबसाइट के अंदर आप यूज़ कर पाओगे। इसके बाद का क्वेश्चन है YT प्रकाश की तरफ से, और ये पूछ रहे कि सर कैन आई यूज़ सेम बैंक अकाउंट ऑन मल्टीपल एडसेंस फॉर पे आउट। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आई एम फेसिंग मल्टीपल एडसेंस अकाउंट एरर एडसेंस आफ्टर अप्लाइंग माई वेबसाइट फॉर अप्रूवल। तो सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन है इसके अंदर मेरा आंसर रहेगा नो, आप अपने जो एक बैंक अकाउंट को मल्टीपल एडसेंस अकाउंट के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। इसके बाद दूसरा जो आपका क्वेश्चन है कि आपको मल्टीपल एडसेंस अकाउंट की एरर आ रही है, सबसे पहले तो मेरे ख्याल से आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक करके दो ईमेल अकाउंट के अंदर आपके सेम डिटेल की मदद से एडसेंस के लिए अप्लाई किया होगा। तो सबसे पहले तो एडसेंस आपको एक फीचर देता है कि आपका अकाउंट आपको फाइंड करना है आपकी जो डिटेल की मदद से, इसके बाद आपको एक अकाउंट को परमानेंटली क्लोज करना पड़ेगा, इसके बाद जाके आपको अप्रूवल मिलेगा। इसके बाद क्वेश्चन है प्रणय मेश्रम की तरफ से, और ये पूछ रहे कि हेलो सर, क्या आप इन्फिनिटी ज्ञान में जो नेव बार में सर्च बार लगाया है और उसकी डिज़ाइन कैसे किए हैं उस पे वीडियो बना सकते हैं। तो आपके सामने infinitygyan.com ओपन है। सर हमें क्वेश्चन के अंदर जो पूछ रहे हैं ये सर्च के बारे में पूछ रहे हैं, जैसे यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर सर्च का ऑप्शन आता है, तो इसके बारे में पूछ रहे हैं। अब देखिए, मैंने खुद से डिज़ाइन नहीं किया है, ये जनरेट प्रेस थीम है, इसके अंदर इनबिल्ट इसका जो ऑप्शन है ऑटोमेटिकली आपके नेव बार के अंदर ये सर्च बॉक्स आ जाता है, तो इसे मैंने जो खुद डिज़ाइन नहीं किया है तो मैं आपको इसके बारे में सिखा नहीं सकता। लेकिन अगर आपको ऐसा आपके साइट के अंदर ऐड करना है तो आपको जनरेट प्रेस थीम है इसका यूज़ करना पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन है TM टिप्स आसाम की तरफ से, और पूछ रहा कि ब्लॉगिंग कर ले डोमेन आप तो किसी को गिफ्ट किया था,
तो जो रिसेंटली मैंने वीडियो बनाया था इसके अंदर मैंने ब्लॉगिंग कर ले ब्लॉगर का यूज़ किया था। तो सर इसके अंदर जो इसका डॉट कॉम डोमेन नहीं था, ये एक ब्लॉगर का जो सब डोमेन था। तो डोमेन तो मैं ब्लॉगिंग कर ले डॉट कॉम ऑलरेडी किसी को गिव के अंदर दे चुका हूँ, तो अब मेरे पास वो डोमेन नहीं है। इसके बाद का क्वेश्चन है पीजी आकाश की तरफ से, पूछ रहे कि सर प्लीज़ पिक माई क्वेश्चन, क्या मुझे 5,000 से 6,000 रुपीज़ पर मंथ किसी सैलरी पर कोई कंटेंट राइटर मिल सकता है क्या, जो कि मुझे डेली 1,000 से लेके 1,200 वर्ड का आर्टिकल लिखकर दे मेरे वेबसाइट के लिए, अगर मिल सकता है तो कैसे मिलेगा। तो डेफिनेटली आपको कंटेंट राइटर मिल सकता है इस बजट के अंदर। तो सिंपल आपको करना क्या है, आप फाइवर या तो अपवर्क का यूज़ करके आप जो कंटेंट राइटर फाइंड कर सकते हो, लेकिन आपका बजट मेरे ख्याल से थोड़ा लो है, तो आपको कंटेंट क्वालिटी में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। दो आपको मिल तो जाएगा लेकिन आपको कंटेंट हाई क्वालिटी नहीं मिलेगा। आप ट्राई कीजिए फाइवर के अंदर, अपवर्क के अंदर आपको कंटेंट राइटर मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन है एम डी इस्लाम अली की तरफ से, और पूछ रहे कि ब्लूटूथ कीबोर्ड है क्या, यूज़ नो रिसीवर। तो नहीं, ये ब्लूटूथ कीबोर्ड नहीं है, इसके अंदर आपको रिसीवर यूज़ करना ही होगा। रेपो का एक मैंने जो कीबोर्ड एंड माउस कॉम्बो का रिव्यू किया था वीडियो के अंदर, तो ये ब्लूटूथ नहीं है, आपको इसके अंदर एक रिसीवर यूज़ करना पड़ेगा, इसके बाद ही आप इसको यूज़ कर पाओगे। तो बस दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था, आपकी पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, साथों साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे हेल्पफुल वीडियो मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।